जीटीवी के पॉपुलर शो कुंडली भाग्य में आ गया है एक बड़ा ही मजेदार ट्विस्ट, जहां पे होने वाली है करण और प्रीता की शादी और साथ ही लगने वाला है करवा चौथ का भी तड़का। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि करण और प्रीता मिलकर ये कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से शर्लिन की सच्चाई सबके सामने लेकर आ जाए, ताकि वो ऋषभ की उनसे शादी होने से बचा सके। तो अब इसी के चलते करण और प्रीता एक बार फिर से एक साथ आने वाले हैं, वो भी करवा चौथ के सेलिब्रेशन के दौरान, ताकि वो शर्लिन पर नजर रख सके। लेकिन इसी बीच बहुत ही जल्द शो में हम एक नया ट्विस्ट देखने वाले हैं, जब सृष्टि सरला और दादी को जाकर ये बता देगी कि करण ने प्रीता को प्रपोज किया था और प्रीता ने भी करण का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसी के चलते सरला और दादी मिलकर लूथरा हाउस जाती हैं, ताकि वो करण और प्रीता की शादी की बात कर सके। लेकिन लूथरा हाउस में पहले से ही करवा चौथ का सेलिब्रेशन चल रहा है और इसी दौरान प्रीता वहाँ पर बेहोश हो जाती है और प्रीता को इस हालत में देखकर करण तुरंत ही प्रीता की मदद के लिए आ जाते हैं और अपने हाथों से उन्हें पानी पिलाते हैं। तो शो में इस बात की पुष्टि तो हो गई है कि प्रीता ने करण के लिए हो सकता है करवा चौथ का व्रत रखा हो और करण भी अपने हाथों से ही उन्हें पानी भी पिला देते हैं सबके सामने। तो कुछ इस तरह से करण और प्रीता के बीच करवा चौथ के दौरान रोमांस देखने को मिलने वाला है। और वहीं दूसरी ओर हो सकता है कि सरला और दादी मिलकर करण और प्रीता की शादी भी फिक्स करवा दें। तो आप कितने एक्साइटेड हैं सीक्वेंस को देखने के लिए, शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और टीवी जगत की तमाम ऐसी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम।